बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि अभी गांधी जी बम्बई में ठीक तरह से बसने ही लगे थे कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका से बुलावा आ गया और वे डरबन पहुंच गए गांधी जी कहते हैं कि मेरे भविष्य के बारे में ईश्वर ने मेरा सोचा कुछ भी नहीं होने दिया इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय किया कराया चौपट मिस्टर चैम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका से साढ़े तीन करोड़ पाउंड लेने आए थे तथा अंग्रेजों का और हो सके तो बोरों का मन जीतने आए थे इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को लिखा हुआ ठंडा जवाब मिला आप तो जानते ही उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य सरकार का अंकुश नाम मात्र ही है आपकी शिकायतें तो सच्ची जान पड़ती हैं मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा पर आपको जिस तरह भी बने यहां के गोरों को रिझा कर रखना है जवाब सुनकर सारे प्रतिनिधि ठंडे हो गए मैं निराश हो गया जब जागे तभी सवेरा मानकर फिर से श्री गणेश करना होगा ये बात मेरे ध्यान में आ गई और साथियों को भी मैंने यह समझा दिया मिस्टर चेम्बरिन का जवाब क्या गलत था गोलमोल बात कहने के बदले उन्होंने साफ बात कह दी जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून उन्होंने थोड़े मीठे शब्दों में समझा दिया पर हमारे पास लाठी थी ही कहा हमारे पास तो लाठी के प्रहार झेलने लायक शरीर भी मुश्किल से थे मिस्टर चेंबरलेन कुछ हफ्ते ही रहने वाले थे दक्षिण अफ्रीका कोई छोटा सा प्रांत नहीं है वो एक देश है खंड है अफ्रीका में तो अनेक उपखंड समाये हुए हैं यदि कन्याकुमारी से श्रीनगर 1900 मील है तो डरबन से केप टाउन 1100 मील से कम नहीं है इस खंड में मिस्टर चेम्बर को तूफानी दौरा करना था वे ट्रांसफॉल के लिए रवाना हुए मुझे वहां के भारतीयों का केस तैयार करके उनके सामने पेश करना था टोरिया किस तरह पहुंचा जाए वहां मैं समय पर पहुंच सकूं इसके लिए अनुमति प्राप्त करने का काम हमारे लोगों से हो सकने जैसा नहीं था युद्ध के बाद उजाड़ जैसा ट्रांसफॉल उन्न था न पहनने ओढ़ने को कपड़े मिलते थे खाली और बंद दुकानों को माल से भरना और खुलवाना था ये तो धीरे धीरे ही हो सकता था जैसे जैसे माल इकट्ठा होता जाए वैसे वैसे ही घर बार छोड़कर भागे हुए लोगों को वापस आने दिया जा सकता था इस कारण प्रत्येक वासी को परवाना लेना पड़ता था गोरों को तो परवाना मांगते ही मिल जाता था मुसीबत हिंदुस्तानियों की थी लड़ाई के दिनों में हिंदुस्तान और लंका से बहुत से अधिकारी और सिपाही दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे उनमें से जो लोग वहीं आबाद होना चाहे उनके लिए वैसी सुविधा कर देना ब्रिटिश राज्य अधिकारियों का कर्तव्य माना गया था उन्हें अधिकारियों का नया मंडल तो बनाना ही था उसमें इन अनुभवी अधिकारियों का सहज ही उपयोग हो गया इन अधिकारियों की तीव्र बुद्धि ने एक नया विभाग ही खोज निकाला उसमें उनकी कुशलता भी अधिक तो थी ही हपियों से संबंध रखने वाला एक अलग विभाग पहले से ही था ऐसी दशा में एशियावासियों के लिए भी अलग विभाग क्यों ना हो दलील ठीक मानी गई ये नया विभाग मेरे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले ही खुल चुका था और धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा था जो अधिकारी भागे हुओं को वापस आने के परवाने देता था वही सबको दे सकता था पर उसे यह कैसे मालूम हो कि एशियावासी कौन है इसके समर्थन में दलील ये दी गई कि नए विभाग की सिफारिश पर ही एशियावासियों को परवाना मिला करे तो उस अधिकारी की जिम्मेवारी कम हो जाए और उसका काम भी हल्का हो जाए वस्तु स्थिति यह थी कि नए विभाग को कुछ काम की और कुछ धाम की जरूरत थी काम ना हो तो इस विभाग की आवश्यकता सिद्ध न हो सके और फलतः बंद हो जाए इसलिए इस थी लोग अधिक थे इसलिए उनके लिए दलाल खड़े हो गए इन दलाल और अधिकारियों के बीच हिंदुस्तानियों के हजारों रुपए लुट गए मुझसे कहा गया था कि बिना वसीले के परवाना मिलता ही नहीं और कई बार तो वसीले या जरिए के होते हुए भी प्रति व्यक्ति सौ सौ पौंड तक खर्च हो जाते थे इसमें मेरा मेरा ठिकाना कहां से लगता मैं अपने पुराने मित्र के के पुलिस के पास पहुंचा और उनसे कहा आप परिचय परवाना देने वाले अधिकारी से करा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए आप ये तो जानते ही हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म में रहा हूं वे तुरंत सिर पर टोप रखकर मेरे साथ आए और मुझे परवाना दिला दिया मेरी ट्रेन को मुश्किल से एक घंटा बाकी था मैंने सामान वगैरह तैयार रखा था सुप्रिंटेंडेंट अलेक्जेंडर का आभार मानकर मैं प्रिटोरिया के लिए रवाना हो गया मुझे कठिनाइयों का ठीक ठीक अंदाजा हो गया था मैं प्रिटोरिया पहुंचा प्रार्थना पत्र तैयार किया डरबन में प्रतिनिधियों के नाम किसी से पूछे गए हों सो मुझे याद नहीं लेकिन यहां नया विभाग काम कर रहा था इसलिए प्रतिनिधियों के नाम पहले से ही पूछ लिए गए थे इसका हेतु तो मुझे अलग रखना था ऐसा प्रिटोरिया के हिंदुस्तानियों को पता चल गया था दुखद, किंतु मनोरंजक अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय किया कराया चौपट वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज